आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। ग्राम पंचायत कनसदा में अभाव फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर। आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आज नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनसदा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अभाव फाउंडेशन के तत्वाधान में युवाओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया ताकि किसी भी मरीज को खून की कमी ना हो और किसी की खून की कमी से मृत्यु ना हो। वहीं एक और रक्तदाताओं को हेलमेट का भी वितरण किया गया जिससे उनकी एक्सीडेंट की स्थिति में जान माल की हानि ना हो। वहीं ग्राम पंचायत कनसदा में सरपंच व अभाव फाउंडेशन के संचालक प्रेम तिवारी ने बताया कि जीवन को बचाने में दान किए गए खून की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि पुण्य की इस कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि जरूरत के समय पीड़ित की मदद की जा सके। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मैं श्रीमती चंद्रकला कश्यप, ग्राम पंचायत कनसदा। आज हमारे ग्राम पंचायत कनसदा में रक्तदान का शिविर रखा गया है। सभी रक्तदानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत कनसदा में हमारे जो आदरणीय सरपंच महोदय हैं उनके माध्यम से ये बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल हुई है जिसमें निःशुल्क रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जो कि हम लोगों के सहयोग से काफ़ी मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि अभी तक का जो रिस्पांस मिल रहा है यहाँ के गांव वालों से, जो जागरूकता देखने को मिली है, ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित करने वाली है। और भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी को और यहाँ के जो नागरिक उनसे उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़ के रक्तदान करें और जीवन बचाने में लोगों का सहयोग करें। एक रक्तदान क्योंकि चार लोगों का जीवन बचाता है। हमारे फाउंडेशन के माध्यम से काफ़ी बार रक्तदान इसका किया जा चुका है और ऐसे शिविर कई बार आयोजित किए जा चुके हैं और अभी तक हमारा फाउंडेशन बिल्कुल समाज सेवा और इससे जुड़ा हुआ है। और रक्तदान हर तीसरे महीने चौथे महीने ये अपन करते रहते हैं। मैंने भी हम लोगों ने एक जगह मतलब नाम तो मेरे को ध्यान से उतर रहा है, हार में हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया था, रिस्पॉन्स वहाँ भी मिला था। ऐसे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त होता है जिसमें केवल और केवल 350 से लेकर 400 ml तक का ब्लड हम लेते हैं और ब्लड लेने के तुरंत बाद से ही बॉडी रिकवरी करने लगती है उसकी और 3 महीने होते होते वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है, इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी और हार्ट, जिनको तकलीफ है या उनको भविष्य में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है, अब ब्लड देना डोनेट करना बिल्कुल ही सेफ और सुरक्षित है। जो लोगों के मन में अभी भी भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से कुछ दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, हेल्दी फूड लेने होते हैं और वो करना होगा। नशा बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि आपका ब्लड हम दूसरे को दे सकें ताकि उनका उपयोग हो सके, उनका जीवन बच सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।